हेलो गाइस, मैकेनिक राइडर 786 में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं मेरे पास KTM 390 है, जो इसमें एक प्रॉब्लम है, जो हीटिंग का प्रॉब्लम है। और इसका हम अभी हम लोग इंजन ऑयल और कूलेंट चेंज करेंगे, जो अच्छा वाला कूलेंट है। अभी हम देखते हैं इसके अंदर कूलेंट है या नहीं है। तो भाई चलो हम लोग खोलते हैं इसको और बताते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो यहाँ पर 5 mm की एलंकी लगेगी, वो नहीं लगेगा, देख सकते हैं वहाँ पर। हाँ, ये एलंकी बोल्ट, इसका गोटी चेंज कीजिए। हाँ, तो ये भाई इस फाइबर को हम लोग निकालेंगे। तो हमें कूलेंट डालने के लिए वो कवर रेडिएटर फैन ओपन होगा, फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे देखेंगे कूलेंट है या नहीं है। जो पुराना कूलेंट है उससे निकालेंगे, हम लोग नया कौन कूलेंट डालेंगे और नया इंजन ऑयल डालेंगे। तो ये कवर खोलने के बाद ही निकलेगा। जैसे यहाँ पर 5 बोल्ट रहते हैं, जैसे 5 mm की एलंकी रहती है, 5, वो 5 खोलना पड़ता है। उसके बाद में फिर जैसे कि ये कवर निकलेगा, जैसे अभी वीडियो में बने रहे आप देखेंगे कि कैसे कवर निकलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एलंकी बोल्ट निकाल निकाल के भाई रख रहे हैं, और फिर उसके बाद कवर भी निकलेगा। इसका मेन प्रॉब्लम है हीटिंग का, और हम क्यों हीटिंग होती है वो भी आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। ये देख सकते हैं जैसे कि ये खुल चुका है, और ये फाइनल जैसा निकला। यहाँ पे देख सकते हैं साइड का फाइबर बॉडी निकल चुका है, ये उसे हम साइड में रखेंगे। ऊपर रखो, कहीं साइड में, उधर ही रखो, नीचे नहीं रखो, नीचे रखो, नहीं तो गिर जाएगा, टूट जाएगा। जैसे ये हमारा फैन निकल चुका है, और हम अभी जैसे कि यहाँ पे कूलेंट का ढक्कन रहता है, इसको निकालते हैं, देखते हैं। भाई इसमें तो ऐसा लग रहा है ऑयल ही नहीं डाला गया है, कूलेंट ऑयल कूलेंट ही नहीं डाला गया। आप देख सकते हैं पूरा पूरी तरह से सूख चुका है, इसकी वजह से बाइक ज़्यादा हीट हो रही है। और अभी हम इसको पूरा ड्रेन करेंगे। जैसे इधर 10 का बोल्ट खोलो, इस कवर को निकालना है। कवर को निकालने के बाद ही वो जो पुराना कूलेंट है वो हम निकाल पाएंगे, और फिर नया कूलेंट जो टॉपअप करेंगे। यहाँ पर इसकी स्क्रू है, वो निकालिए, स्क्रू वो लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं अंदर साइड में एक स्क्रू है, वो स्क्रू निकलने के बाद फिर ये कवर निकल जाएगा। रहन दो, नीचे की तरफ जान दो, देखते हैं अभी कैसा है। तो जैसे देख सकते हैं ये पूरा ओपन हो चुका है, और अब हमें यहाँ पे इंजन भी लीकेज है, जैसे इसे हम खोल के अभी बोन ट्यूब लगा के वापस फिटिंग करेंगे, और ऑयल भी चेंज करेंगे। इसका ऑयल फिल्टर रहता है, वो भी चेंज करेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं ऑयल भी कम है, तो वो भी हम अभी बताएंगे आपको कि ऑयल भी कम है, क्योंकि ये लीकेज की वजह से दिख रहा है। और फिर हम इस गाड़ी को वॉश करने भी लेके जाएंगे इसे ओपन करके। अब देख सकते हैं पूरी तरह से गाड़ी बहुत गंदी दिख रही है। तो यहाँ पे नीचे बहुत सारा ऑयल भी लीकेज है, तो वो कचरा दिख रहा है, तो हम इसे क्लीन करेंगे। वीडियो में बने रहे, आपको लास्ट तक दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं नीचे का जो वेली रहता है वो खुल चुका है, और हम अभी राइट साइड का खोलेंगे। तो पहले राइट साइड का वो मत निकालो, उधर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नीचे का जैसे वेली निकालना है हमें। तो पहले हम देखते हैं कि इसे किस तरह से नीचे की वेली निकलेगी। तो ऑयल जैसे ऑयल हमें ड्रेन करना है, तो ऑयल खोलने के लिए क्या क्या निकालना पड़ता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे अंदर की तरफ एक बोल्ट है, यहाँ पर वो अभी निकलेगा पीछे की तरफ, यहाँ अंदर से अभी नहीं खुला, बहुत बड़ा है वो बोल्ट, खोलो उसको पूरा। मैं नीचे भी है एक 10 नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं ये मैं अभी खोलूँगा, फिर ये नीचे का वेली निकलेगा, फिर ऑयल हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे जो वेली का 10 नंबर एक बोल्ट रहता है, तो हमें 10 mm का बॉक्स बना लिया है, और वो खोलने से फिर ये वेली पूरी नीचे आ जाएगी। उसके बाद हम ऑयल कूलेंट और इंजन ऑयल अच्छे से ड्रिंक कर देंगे, नीचे ऑयल निकाल देंगे और कूलेंट भी निकाल देंगे। उसके बाद फिर प्रॉपर तरीके से इसे कम्प्लीट फिटिंग करेंगे क्लीन करके, जैसे कि ये निकल चुका है। और ये फाइबर भी अभी यहाँ से देख सकते हैं आप, निकालो पूरा इस तरफ, देख सकते हैं ये पूरा फाइबर भी निकल चुका है हमारा, और इसे हमने यहाँ पे साइड में रख दिया है, देख सकते हैं। और हमारी गाड़ी अभी पूरी तरह से ओपन हो चुकी है, और अब हम ऑयल खोलेंगे इसका। तो अभी हम इसमें देख सकते हैं जैसे कि 19 mm का बॉक्स पैनल, ये रिंग पैनल लाया हूँ, और अभी इसके नीचे की तरफ दबाओ आराम से, ये खुल चुका है, और फिर ऑयल निकालेंगे।
साफ़ है भाई, उसे क्या करना है, अपने को तो नया ऑयल डालना है। यहाँ पे देख सकते हैं दो तीन बोल्ट भी मिस है, वो भी हम कंप्लीट फिटिंग करेंगे इसमें। अब वीडियो में बने रहे, हम लास्ट तक आपको दिखाते हैं गाड़ी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है, कैसे सॉल्व करना है। देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल भी निकल रहा है, इसके अंदर ऑयल फिल्टर रहता है, इसकी ये भी निकल चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं, और अब हम कूलेंट खोलेंगे इसका। तो जैसे आप देख सकते हैं इसका कूलेंट ड्रिंक करने के लिए यहाँ पे 8 mm का एक एलन की बोर्ड लगा रहता है, अरे सॉरी 8 mm का एक बोर्ड लगा रहता है, जिसको 8 के बॉक्स पाने से मैंने यहाँ पे खोला इसको, और अभी पता चलेगा इसमें कूलेंट है या नहीं है। आप देख सकते हैं ये कूलेंट कितना बेकार, इसमें खाली पानी डाला हुआ है, ऐसा लग रहा है कूलेंट तो डाला ही नहीं है। इसकी वजह से अंदर पूरा, आप देख सकते हैं इसके अंदर पूरा रेस्ट, लाल कलर का रेस्ट जम गया है, क्योंकि पानी डालने से ऐसा होता है, कूलेंट डालने से ऐसा नहीं होता है। तो ये देख सकते हैं आप एकदम लाल निकला हुआ है पानी पूरा, और अभी हम इसी पानी के आसपास में ही इसका ऑयल फिल्टर निकालेंगे। जैसे ये यहाँ पे निकल रहा है, और यहाँ पे ऑयल फिल्टर रहता है, उसका भी हाल मैं आपको दिखाऊंगा कैसे रहता है, क्योंकि काफ़ी फिल्टर, अगर ऑयल फिल्टर अगर मिस हो जाता है कभी आपकी गाड़ी से तो इसमें क्या हो, तो मैं आपको बता रहा था जैसे अगर ऑयल फिल्टर ज़्यादा चोकअप हो जाता है तो ऑयल सप्लाई इंजन पे नहीं होता है, इसकी वजह से कभी कभी इंजन सीज हो जाता है। तो ऑयल फिल्टर देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 85 या 120 रुपये का ओरिजिनल एयर फिल्टर आता है, वो एयर ऑयल फिल्टर आता है, ऑयल फिल्टर चेंज करें और अपने गाड़ी का इंजन सेफ बचा के रखें। ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम की वजह से हमको बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, इसकी वजह से ये सब कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि इसमें हालत देख सकते हो कि काफ़ी ऑयल लीकेज है, और ऑयल लीकेज मतलब इंजन में प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं भी पैकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, छोटे छोटे प्रॉब्लम से बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें कम्प्लीटली अच्छे से करना चाहिए। देख सकते हैं आप, और ये अभी निकलेगा ये भी। तो ये ऑयल फिल्टर निकल रहा है, और ऑयल फिल्टर का भी हालत बहुत ही ख़राब है, मैं नया भी कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा, आप वीडियो में बने रहें। पहले मैं सामान लाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि इसमें कूलन कौन सा डालना है, सबसे बेस्ट कूलन और ऑयल कौन सा रहेगा। तो मैं इसके उसके अंदर डालता हूँ, और वीडियो में बने रहें, मैं आपको और भी अच्छी जानकारी आपको देता हूँ। जैसे देख सकते हो हम लोग इसका कैस्ट्रोल का हैवी ड्यूटी कूलेंट लेके आ गए हैं, जो 525 रुपये इसकी MRP है, और ये कूलेंट सबसे बेस्ट रहता है, आप देख सकते हैं। और दूसरा हम लोग इसके चैन लूप लेके आए हैं, जो रोनल का है, 160 रुपये का आता है, और हम लोग ये मोटुल का इंजन ऑयल लेके आए हैं 710, जैसे देख सकते हो 2050 है, 1.2 ml का, और ये इसमें बहुत अच्छा ऑयल है जो इसमें पड़ता है, 1165 का है। और इसमें हमने ऑयल कूलेंट भी लेके आया हूँ मैं, देख सकते हैं जैसे ये बजाज में मिलता है, जो खाली 79 रुपीज़ का है। और अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे, जैसे पहले ऑयल फिल्टर लगाएंगे, फिर इंजन ऑयल डालेंगे, और उसके बाद हम कूलेंट डालेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें, और फिर मैं इसका जो मेन प्रॉब्लम है वो सॉल्व कैसे होता है मैं वो वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो में बने रहे, अभी मैं स्टार्ट, जस्ट काम स्टार्ट होएगा, चलो भाई स्टार्ट करो। तो जैसे कि भाई देख सकते हो ऑयल फिल्टर लगा रहे हैं, और ऑयल फिल्टर में हल्का सा ऑयल डाल के लगाऊंगा भाई, हाँ ये वाला। क्या होता है ऑयल अगर डाल के लगाते हैं तो जब गाड़ी स्टार्ट होती है तुरंत ऑयल ऊपर खींचना चालू कर देता है, अगर ऑयल नहीं रहता है उसके अंदर तो इंजन पर ऑयल लेट पड़ता है, तो इसकी वजह से थोड़ा इतना कुछ डिफरेंस नहीं होता है, बट ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि
ऑयल डाल के अगर हम लोग लगाते हैं तो इंजन के ऊपर थोड़ा बेनिफिट रहता है। जैसे देख सकते हैं भाई ने इंजन ऑयल खोला है और अब गैस लगा रहे हैं। बस कंप्लीट बैठ चुका है और भाई अभी ढक्कन निकालेंगे, उसमें थोड़ा बोन ट्यूब लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी वो पहले थोड़ा लीकेज कर रहा था, तो इसलिए थोड़ा बोन ट्यूब लगा के लगाएंगे। तो क्या रहता है जो वहाँ से वरिंग कट जाती है, वरिंग कभी मिलती है नहीं मिलती है, तो इसलिए वहाँ पर बोन ट्यूब लगा देते हैं, तो उसकी वजह से वो बंद हो जाता है ऑयल। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे बोन ट्यूब लग गया है और 2 8 नंबर के बोल्ट अभी वहाँ पर हैं जो लग जाएंगे और फिर हम इंजन ऑयल डालेंगे। तो ये फाइनल हो चुका है और इसके बाद अब इंजन ऑयल डालना है और उसके बाद फिर हम गाड़ी वॉश करने भी लेके जाएंगे। और मोटुल में सबसे बेस्ट ऑप्शन ये भी देता है कि जैसे हमें कुप्पी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये डायरेक्टली जा ऑयल चला जाता है उसके अंदर। तो फाइनली ऑयल हुक ख़त्म हो चुका है और उसके बाद अब हम लोग KTM RC दिखती फायर गाड़ियाँ भाई, बस कंडीशन में जब रहती है ना तो इतना मज़ा आता है गाड़ी देखने में और चलाने में भी लगती है भाई हाँ गन मशीन जा रही है। बस करो भाई तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा ऑयल का काम कंप्लीट हो गया है जिसमें 1.7 लगता है। मैंने 1.2 का एक डब्बा लिया था जो के मोटुल का था 20W50 का और अब हमने कैस्ट्रोल IBDPD ऑयल लिया है और प्लस जो 650 ml का कैस्ट्रोल मोटुल का आता है इंजन ऑयल वो 650 ml का एक डब्बा लिया था जो यहाँ पर है। और अब ये तो हम लोग इसके अंदर कूलर डालेंगे फिर हम गाड़ी दिखा के गाड़ी को चालू करके आपको बताएंगे कि कितना देर में आप यहाँ से समझो कि 0.5 किलोमीटर जैसे गाड़ी चलती थी ये गाड़ी पूरा फुल हीट हो जाती थी। हीट होने के बाद में जो टेम्परेचर स्विच रहता है मीटर के अंदर वो टेम्परेचर पूरा फुल हो जाता था गर्म होके, इसलिए हमें अच्छा ऑयल और अच्छा कूलेंट निकाला है और डाला। आप देखते रहेंगे वीडियो में कि कूलेंट बहुत ही कम निकला था, पानी के जैसा यूज कर सकते हैं उसको। तो अभी देख सकते हैं जैसे कि स्पेशल हैवी ड्यूटी कूलेंट है जो अब हम इस रुको रुको भाई नीचे का 8 नंबर बोर्ड नहीं लगा है। तो जैसे कि कूलेंट का बोर्ड रहता है यहाँ पे नीचे, हाँ नीचे भाई थोड़ा और नीचे दोस्त इधर इधर हाँ क्या भाई दिया लेके भी होल नहीं ढूंढ पा रहे दिन में भी। तो यहाँ पर जैसे कि कूलेंट का बोल्ट लग चुका है और अब हम कूलेंट डालेंगे। ऐसा हो जाता है कभी कभी इंसान भूल जाते काम करते करते ध्यान नहीं देता, कोई बात नहीं। तो देख सकते हैं जैसे कि कूलेंट अभी डाल रहे हैं इसके अंदर,
वहाँ से नहीं होती। मारो सेल्फ, जाएगा सेल्फ मारो। चालू करो। थोड़ा रेस करते हैं तो मालूम पड़ता है कि जैसे कूलर जब खींचता है अंदर जो फैन चलता है तो कूलर टर्मिनल पर तो गाड़ी बंद हो गई, अब हम ढक्कन लगाएंगे इसका। देखो लग नहीं रहा, दबा के बैठाना पड़ेगा। नहीं बराबर जगह पे बैठाओ, दोनों तरफ बराबर नहीं बैठा है। अरे वैसा मत दबाओ। तो ये ढक्कन हमने लगा दिया है और हम अभी डब्बे में जो स्टोव के लिए कूलन डालते हैं अब उसके अंदर हम कूलन डालेंगे। तो जैसे यहाँ पे स्टोव में जो कूलेंट रहता है यहाँ पर हम लोग डब्बे में डालेंगे जो कम से कम 200-250 ग्राम रहता है। और अब डाल देंगे कुकी, उठाओ भाई ज़रा नीचे से। ऑलमोस्ट 1 लीटर के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाता है। आने दो, आने दो भी। सिंपल इधर से पानी गिर रहा है। कौन से? हाँ ऊपर से डाला है ना, अभी लीकेज कर रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि यहाँ तक का कूलेंट है और ये फाइनल हमारा यहाँ से स्टॉक हो चुका है। अब हम बॉडी लगाएंगे और फिर चेन लूप करेंगे। चेन लूप करने के बाद में गाड़ी को एक टेस्ट ड्राइव लेंगे, फिर मालूम पड़ेगा कि गाड़ी हीट हो रही है या नहीं हो रही है। तो जैसे हम पहले वेली लगाएंगे और इसको अंदर घुसाओ भाई, फटाफट अंदर डालो। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें सिर्फ 4 स्क्रू लगने वाले हैं मेरी तरफ से। 2 यहाँ पर स्क्रू, 1 यहाँ पर, 1 वहाँ पर और 1 इस तरफ और 1 उस तरफ में नीचे की तरफ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ लगाना। उठा भाई, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे का वेली फाइटिंग हो चुका है और जो इसके साइड पैनल्स हैं वो अभी लगने लगेंगे। यहाँ पर भाई स्टार्ट करें लगाना। ऊपर ऊपर और ऊपर सुनो भाई। हाँ ये इधर के ऐसा नहीं, इतना बड़ा फाइबर है यार, दिमाग ही नहीं लगता कि कहाँ फिटिंग करें, कहाँ लगाएं, कहाँ निकालें। दिल को ठंडक जो दे तेरे गली को जाए। ये देखिए ये 3 ओलंकी, 1, 2, 3 यहाँ का है और 2 स्क्रू जो है वो ये इधर का है। ओलंकी इधर की ना। हाँ इसके अंदर तो RC390 गन मशीन। तो भाई हमारी गाड़ी फाइनल स्टेज पे आ चुकी है और जस्ट अभी टेस्ट ड्राइव भी मारेंगे सोनू भाई और स्टॉपी बिली भी कुछ दिखा देंगे अगर चमत्कार हुआ तो। सोनू भाई खुद एक मैकेनिक हैं और सोनू भाई एक राइडर भी हैं, अपनी गाड़ी का काम खुद ही करते हैं।
ये गाड़ी आज यहाँ से जाने वाली है छपरा सिवान बलिया की ट्रांसपोर्ट में डालेंगे या तो ट्रेन में डाल के लेके जाएंगे और क्या करेंगे। सोनू भाई गाड़ी कहाँ जा रही है? हो गया तो एक नीचे का 10 नंबर वो टाइट कर दो ना पैर फुटरेस के पास नीचे का वेली का। बस बस सुनो भाई बस। हाँ ये तो ये गाड़ी हमारी फाइनल स्टेज पर है और अब मोटुल का कूलर सॉरी चेन लूप मारेंगे और उसके बाद चेन लूप मारने के बाद नीचे उतारेंगे और फिर एक टेस्ट ड्राइव मार के पहले वॉशिंग करवाएंगे फिर चेन लूप मारेंगे। अच्छा फिर पहले हम बाइक वॉश कराएंगे और फिर वॉश कराने के लिए वॉश करके और फिर फाइनल स्टेज पर अपो राउंड मार के और इसका क्या है प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ वो मालूम पड़ जाएगा। तो जैसे फाइनल अभी समझ रहे हैं और अब बाइक को नीचे उतारेंगे। वो गाड़ी नीचे उतर चुकी है और सोनू भाई लेके जाएंगे अभी। गाड़ी कितनी बड़ी दिखती है यार भाई लेकिन आरसी तो आरसी ही है। टायर तो बहुत मोटा डाला हुआ है भाई। तो जैसे सोनू भाई राउंड के लिए जा रहे हैं मैं आपको फुल गन मशीन चालू हो गई है और अभी ऑन द वे है। गाड़ी आ चुकी है हमारी तो सोनू भाई टेस्ट ड्राइव मार के आ गए हैं और हम थर्मामीटर भी दिखाएंगे और गाड़ी में प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। भाई मेरा काम करके देखा भाई कुछ हीटिंग वीटिंग का क्या मसला है अभी ऊपर हुआ कुछ नहीं दिखाओ सब लिखो जरा देखने दो। तो जैसे हीटिंग का मसला पहले इतने में एकदम फुल हो जा रहा था अभी तो फिलहाल आधा भी नहीं हुआ है तो मैं प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका है ऑलमोस्ट। और ऐसी और भी वीडियो को देखने के लिए और ऐसी और प्रॉब्लम का सलूशन के लिए ऐसी और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी गाड़ी के बारे में ऐसी कोई भी तकलीफ कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही था। इस गाड़ी का सिर्फ मेन प्रॉब्लम था गाड़ी हीट हो रही थी और वाइब्रेट हो रही थी और इसका कूलेंट इसमें नहीं था वो सब हमने ऑलमोस्ट कर दिया है और ये गाड़ी हमारी फाइनल स्टेज पर है और अब ये गाड़ी यहाँ से जा रही है। तो थैंक यू सो मच गाइस और मिलते हैं सब। अभी मैं नया नया यूट्यूब चैनल बनाया हूँ तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे थोड़ा सपोर्ट करते रहें।